चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के भेनोई मखदूम वजाहत हुसैन गिलानी मरहूम के घर पहुँचे। उन्होंने ताजियत और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर है, उम्मीद है आइंदा इलेक्शन शफाफ होंगे। पाकिस्तान की अवाम आमरियत को नापसंद करती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी भी इस इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, इम्पार्शियल होंगे और फिर एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा एक सिविलियन गवर्नमेंट से एक दूसरा सिविलियन गवर्नमेंट तक। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वोट की अहमियत की बात करने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने दौर में सिर्फ 6 बार असेंबली गए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पहली बार जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद पास की। मियां साहब जो है जो अपना पूरा जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हुक्म पे चलता था और अभी भी कह रहा है कि आप फिर से मुझे डिक्टेशन में वो डिक्टेशन फॉलो करने के लिए तैयार हो, डील काटने के लिए कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में शहबाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पर एहतजाज करते थे, लेकिन आवाम आज भी लोड शेडिंग से मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के साथ मजर खान, मुल्तान।